ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। पश्चिम बंगाल में आप टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है और दिल्ली में एक साथ। पिछले साल केरला के वायनाड में जिन लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ की, ये लोग उनके साथ दोस्ती करके बैठे हैं। कांग्रेस को परिवारवाद पसंद है, कांग्रेस को दरबारवाद पसंद है, जहां बड़े लोग उनकी बेटे बेटियां भी बड़े पदों पर काबिज हो। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस गठबंधन ने यह भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आपके साथ आप किसके साथ कहां पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में आप टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है और दिल्ली में एक साथ है। और अधीर बाबू, 1991 परफेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। अधीर बाबू, 1991 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी ने अधीर बाबू साथ क्या व्यवहार किया था, वो आज भी इतिहास में दर्ज है। खैर, 1991 की बात तो पुरानी है। पिछले साल केरला के वायनाड में जिन लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ की, ये लोग उनके साथ दोस्ती करके बैठे हैं। बाहर से तो अपना लेबल बदल सकते हैं, लेकिन पुराने पापों का क्या होगा, ये पाप आपको लेके डूबेंगे। आप जनता जनार्दन से ये पाप कैसे छिपा पाओगे, आप नहीं छिपा सकते हो। और इनको आज जो हालत, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी हालात ऐसे हैं इसलिए हाथों में हाथ, अभी हालात ऐसे हैं इसलिए हाथों में हाथ। जहां हालात तो बदले फिर छुरियां भी निकलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये घमंडिया गठबंधन देश में परिवारवाद की राजनीति को सबसे बड़ा प्रतिबिंब है। देश के स्वाधीनता सेनानियों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमेशा परिवारवादी राजनीति का विरोध किया था। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब आम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
मौलाना आजाद, गोपीनाथ बोर्डोली, लोकनायक जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, आप जितने भी नाम देखेंगे सबने परिवारवाद की खुलकर आलोचना की है, क्योंकि परिवारवाद का नुकसान देश के सामान्य नागरिक को उठाना पड़ता है। परिवारवाद सामान्य नागरिक के उसके हकों, उसके अधिकारों से वंचित है। इसलिए इन विभूतियों ने हमेशा इस देश पर बात जोर दिया था कि देश को परिवार, नाम और पैसे पर आधारित व्यवस्था से हटना ही होगा, लेकिन कांग्रेस को हमेशा ये बात पसंद नहीं आई। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने हमेशा परिवारवाद का विरोध करने वालों का हमने बराबर देखा है कि उसके प्रति उनकी कैसी नफरत की भावना है। कांग्रेस को परिवारवाद पसंद है, कांग्रेस को दरबारवाद पसंद है, जहां बड़े लोग, उनकी बेटे बेटियां भी बड़े पदों पर काबिज हो। जो परिवार से बाहर है उनके लिए भी यही है कि जब तक आप इस महफिल में दरबारी नहीं बनोगे तो आपका भी कोई भविष्य नहीं है, यही उनकी कार्यशैली रही है।